कथा का एक बड़ा सिद्धांत है। आगे के 10 रो में बिल्कुल रसिक श्रोता को बैठना चाहिए, इतने रसिक और भावुक। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद द्रव अमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कथा श्रवण के दो ही लोग अधिकारी हैं साहब, एक जो रसिक हैं और एक जो भावुक हैं। तो रसिक तो कम है, सिख ज्यादा है, एसआईसी के सिख हैं तो आप कथा सुन नहीं सकते। रसिक होंगे तो आपका तारतम्य टूटेगा नहीं। रसिक सब कृष्ण के भक्त हैं और भावुक राधा रानी के भक्त हैं, तो दो ही लोग कथा सुन सकते हैं। भागवत जी में स्पष्ट कह दिया है, लिखा है कि कथा सुनने के अधिकारी, भाई मेडिकल में आपको जाना है, एमबीबीएस की डिग्री लेनी है आपको, तो उसके पहले आपको टेस्ट देना पड़ता है। एलिजिबिलिटी चाहिए भाई, 11th पास हो कम से कम साइंस से, पीसीएम हो उसके पास। बट नहीं, बायो हो यार, मैथ से कैसे करेगा, हमको अपना याद है। तो इसकी भी एलिजिबिलिटी है कथा सुनने की। यह बात सही है कि वृंदावन में कथा का एक पांडाल लगा है, आपको रोका नहीं जाएगा, गेट आश्रम का गेट बहुत बड़ा होता ही है, और कथा के समय में तो लोग निमंत्रण देते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। पर आप भी आए हो तो ये सोच के तो आओ कि आपने इसकी योग्यता को प्राप्त किया है कि नहीं। आना, बैठना, जाना, घूमना, ये तो चलता ही रहता है। बरसों से सुन रहे हो, कितनी कथाओं को सुन लिया है तुमने, कथा शहीद कर दी तुमने कितनी, तुम्हारे ऊपर कितने कथा कुर्बान हो गए, पर तुम जहां के तहां हो। तो कथा श्रवण का श्रीमद् भागवत जो एलिजिबिलिटी चाहती है, योग्यता चाहती है आपसे, वो योग्यता है रसिका भुवि भावुका। जो रसिक हो और जो भावुक हो, जिसके हृदय भी पत्थर के हों, आंखों में अश्रु का जल नहीं, बिंदु नहीं। भाई कैलाश में भगवान बैठे हुए हैं, क्षीर सागर में हमारे लक्ष्मी जिनके पांव दबा रही है, सागर में बैठे हैं, और तुम अपने घर में उनको आमंत्रित करते हो, तो वो पूछते हैं कि भाई हमारी व्यवस्था है कि नहीं। बोला हाँ, एक लोटा जल रखते हैं। बोला बताओ, हम क्षीर सागर में तेरे लोटे में आए, हम बाल्टी में आए हैं।